लास्ट क्लास में पार्लियामेंट पे क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट क्लास में किया था उसकी, लास्ट क्लास में किया था, आज लास्ट क्लास है पार्लियामेंट के क्वेश्चन की। आज जो क्वेश्चन करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने बताया पार्लियामेंट के क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन को ही दोबारा रिवाइज करोगे ना, तो सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज भी हो जाएंगे और क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ बचे हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से आंसर करना है, 30 से 40 सेकंड में आंसर करना है, क्योंकि टॉपिक पढ़ चुके हो आप कई बार। हट जाता हूँ। आ गया बी? हाँ बी। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है। बी सी और किसी का कुछ ए, ए? तीनों गलत। चलो देख लेते हैं। हाँ डी सही है। चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अलग अलग मोशंस के बारे में बात कर रहा है। अगेन बताया, ज्यादातर लोग मोशंस रिजोल्यूशंस इन सबको स्किप कर देते हैं। नो कॉन्फिडेंस, इंश्योर, प्रिविलेज काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं याद है कोई बात नहीं, दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज रिगार्डिंग प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, किसी को पता है? बोलो। देखो अगर प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार, बोल सकते हैं। प्रिविलेज मीन समथिंग स्पेशल पावर इज गिवन टू समवन। तो जब किसी मिनिस्टर को कोई विशेष अधिकार है और अगर वो उसके उस प्रिविलेज का मिसयूज करता है, तो फिर मेंबर क्या करता है, प्रिविलेज मोशन लेके आता है। सो प्रिविलेज मोशन इज कंसर्न्ड विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बाय मिनिस्टर। और मिनिस्टर कौन होता है, जो गवर्नमेंट में होता है, जो रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है और जो गवर्नमेंट में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मिनिस्टर होता है। हु इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस, ये बात बिल्कुल सही है। यस, इसी का मतलब क्या होता है प्रिविलेज मोशन। सो प्रिविलेज मोशन कब लाया जाता है, जब किसी मेंबर को लगता है कि मिनिस्टर ने क्या करा है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, उसने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया है, तो फिर उसके लिए वो क्या लेकर के आता है, प्रिविलेज मोशन। सेकेंड स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मतलब क्या होता है, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना फॉर अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसीजर चल रही थी पार्लियामेंट की, अचानक से कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई, अब सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कौन सा मोशन लाया जाता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ, आप देख लेते, कॉलिंग अटेंशन मोशन मस्ट बी रेज्ड एज अ प्रीकर्सर टू नो कॉन्फिडेंस मोशन टू हाईलाइट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कोई भी रीजन बताना पड़ता है? नहीं बताना पड़ता। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ इसलिए लाया जाता ताकि चेक कर पाए वेदर गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी और नॉट। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, देन गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, बोल सकते हैं गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। तो क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन के पहले कॉलिंग अटेंशन मोशन लाना पड़ता है, यह बताने के लिए कि गवर्नमेंट पुअर परफॉर्म कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कोई रीजन भी देना नहीं पड़ता। वैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाता होगा, ऑपोजिशन वाले, है ना, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। तो ये सही है गलत है? नहीं, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस के पहले आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है सेंश्योर मोशन। देखो चार मोशन दे दिए इसी एक ही क्वेश्चन में। सेंश्योर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा बाय द ऑपोजिशन। ये सही है या गलत है? बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। सेंश्योर मतलब निंदा करना, निंदा प्रस्ताव करते बोलते ना, निंदा। निंदा बोले अगर मान लो सेंश्योर मोशन पास हो गया, अब सेंश्योर मोशन कौन लाता है, ऑपोजिशन वाले। किसके लिए लाते हैं, गवर्नमेंट वालों के लिए। और अगर सेंश्योर मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाते हैं, और अगर सेंश्योर मोशन लोकसभा में पास हो गया, व्हाट डज इट मीन, दैट गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजोरिटी। तभी तो सेंश्योर मोशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ। हमारे यहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है, और अगर सेंश्योर मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली रिजाइन नहीं करेगी, बट नाउ गवर्नमेंट इज बाउंड टू सीक द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, बोल सकते हैं। अब गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस मोशन घुमाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि दैट वी स्टिल हैव कॉन्फिडेंस और नॉट। तो ये चीज ध्यान रहेगी। सेंश्योर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या नहीं, सिर्फ ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा में नहीं आता है। ऐसे कौन से दो मोशन रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाए जा सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंश्योर मोशन। तो थर्ड वाला सही है गलत है? गलत है। सो मेरा आंसर क्या हो रहा है, वन ओनली, दैट इज डी। ध्यान रहेगा, क्वेश्चन इजी डिफिकल्ट नहीं था, पर इसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे, रिविजन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर मैंने सारी चीजें दे रखी है। पहला कौन सा था, प्रिविलेज मोशन, इट इज रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय अ मिनिस्टर, है ना। When a member feels that the minister has committed a breach of privilege of the house of one of its member withholding fact or case or giving wrong information or distorted information, तब वो क्या लेकर के आता है, privilege motion। Calling attention motion क्यों आता है,
फॉर मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड टू सीक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम ऑन दैट मैटर. हिम मतलब बोले मिनिस्टर वगैरह, है ना. अच्छा, जीरो आवर का नाम भी सुना था क्या आपने? जीरो आवर के जैसा ही ये जो कॉलिंग अटेंशन है ना, ये भी इंडियन इनोवेशन है. ये हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं लिया. जैसे जीरो आवर आपको पता है क्या होता है? जीरो आवर क्या होता है? टिल द एजेंडा ऑफ द हाउस इज फिक्स्ड, उसको क्या बोलते हैं? जीरो आवर. पार्लियामेंट में पहला घंटा रहता है क्वेश्चन आवर के लिए, पर जब 11 बजे बैठते हैं 12 बज चुके रहते हैं, चूंकि 12:30 एक बजे से इनका लंच रहता, तो ये जीरो आवर चला दिया. बोले जीरो आवर मतलब कि अब फिक्स करते हैं कि आज हम क्या क्या बात करेंगे, एजेंडा ऑफ द हाउस क्या है, उसको क्या बोलते हैं? जीरो आवर. तो जब तक वो चलता उसके बाद ब्रेक हो जाता. तो जीरो आवर क्या है? इंडियन इनोवेशन है. क्या ये कहीं पर भी मेंशन है? जीरो आवर कहीं भी मेंशन नहीं है. तो ऐसे ही कॉलिंग अटेंशन मोशन भी इंडियन इनोवेशन है, लेकिन ये मेंशन है कहां? रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में. ये चीज ध्यान रखना है. और सेंसर मोशन किसके अगेंस्ट लाया जाता है? मिनिस्टर वगैरह के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जाता है. और सिर्फ कहां लाया जाता है? इट कैन ओनली बी ब्रॉट इन लोकसभा, ध्यान रहेगा. और अगर ये पास हो गया देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप रिजाइन नहीं करते, लेकिन अब उनको क्या देखना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, और कॉन्फिडेंस मोशन को घुमाना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. क्या आ रहा है? बस जल्दी से, आधे मिनट का ही था ये तो. ए सी, चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट. अगर हम क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट की बात करें, कि अगर आपको मिनिस्टर से या किसी से भी कुछ क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन कितने टाइप के रहते हैं? तो हम लोगों ने देखा था तीन टाइप के क्वेश्चन रहते हैं. कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं बोलो? स्टेड, अनस्टेड और अनस्टेड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. ये तीन टाइप के क्वेश्चन रहते हैं. स्टेड क्वेश्चन कौन से रहते हैं? ओरली, बोले मिनिस्टर से डायरेक्ट पूछा, मिनिस्टर ने ओरली आंसर किया. अगर मिनिस्टर ने आंसर किया, आपको सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप सप्लीमेंट्री मतलब एक एडिशनल क्वेश्चन भी इंस्टेंटली पूछ सकते हो. सो यहां पर ओरल आंसर प्लस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ये चीज ध्यान रखोगे. फिर क्या है? अनस्टेड. अनस्टेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? आपको एक शॉर्ट नोटिस देना पड़ेगा. तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्या? आप नहीं पूछ सकते हो, ये चीज ध्यान रखना. और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मतलब एक शॉर्ट नोटिस दिया, हाँ, और नोटिस देने के बाद आपने मिनिस्टर से आंसर मांगा, तो मिनिस्टर इसका आंसर आपको कैसे देगा? ओरल आंसर. और अगर ओरल आंसर देगा, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ये चीज ध्यान रखोगे. तो अब जल्दी से देख लेते हैं तीनों स्टेटमेंट को. अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज आंसर्ड ओरली. शॉर्ट नोटिस ओरल आंसर लगते हैं, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो ये यस. अ स्टेड क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड फॉर फॉलो अप क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. स्टेड क्वेश्चन बोले तो स्टेड मतलब ओरल आंसर प्लस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, ये बोल रहा नहीं पूछे जा सकते, इसलिए ये रॉन्ग हो गया. सेकंड देखो, थर्ड देखो. अनस्टेड क्वेश्चन आर आंसर इन राइटिंग. अनस्टेड क्वेश्चन आर आंसर्ड इन राइटिंग, यस, वो लिखित में आंसर देते हैं, इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते अनस्टेड में. सो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1 and 3. और 1 and 3 कहां पर दिया हुआ है? सी इज द करेक्ट आंसर. इजी था, हाँ. चलो नेक्स्ट देख लो फटाफट. रिविजन इसलिए बोलता हूं करके आया करो, वरना ऐसे ही बैठे रहोगे. क्या आ रहा है इसका? बड़ा इजी क्वेश्चन है. लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस है. बाकियों का क्या आ रहा है? डी 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 और बी. चलो देख लेते हैं. कंसिडर क्या? हाँ चलो देख लेते हैं, तुम लोग इतना लजवा रहे हो. कंसिडर अ कंपेरिजन ऑफ पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा राज्यसभा के पावर में कंपेरिजन करना है ना, बड़ा इजी है. बोथ हाउसेस कैन पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बट बिल मस्ट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. देखो हम लोगों ने देखा था अंडर आर्टिकल 368 आप क्या ला सकते हो? यू कैन ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. आप कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करने के लिए बिल लाते हो अंडर आर्टिकल 368, तो बोले बिल की कुछ प्रोसीजर होती है. अभी तक तो अपन ने जो बिल्स देखे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं देखा, लेकिन कई बार इस बिल के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउस. तो आपका मन है आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दो, आपका मन है आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दो. इसको अप्रूव तो स्पेशल मेजोरिटी से करना है, वो तो अपन आगे पढ़ेंगे. लेकिन क्या अगर मान लो राज्यसभा या लोकसभा में से कोई भी एक हाउस अपनी बात पे अड़ जाता है, अमेंडमेंट ऐसे करता जो दूसरा उसको मंजूर नहीं, तो क्या जॉइंट सिटिंग हो सकती है? सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जॉइंट सिटिंग यहां पर नहीं हो सकती है. मतलब दोनों हाउस को इंडिविजुअली इस बिल को क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा, दैट टू विद द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ध्यान रहेगा. सो आर्टिकल 368 का स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है.
तो अब जल्दी से देख लेते हैं, बोथ हाउस कैन पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बट द बिल मस्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ऐसा है क्या? नहीं, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा, कोई कहीं पर भी ला सकते हैं। तो पहला तो क्या हो गया, रॉन्ग। दूसरा क्या बोल रहा है, बोथ द हाउसेस अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बट द इमरजेंसी कैन नॉट बी रिवोक बाय एनी ऑफ द हाउस, ये सही है गलत है? देखो गलत है, सुनना फिर से। इमरजेंसी बोले तो यहां पर ये कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहा है, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है। नेशनल इमरजेंसी के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी अगर लगी तो भाई पहले तो आपने देखा था इंदिरा गांधी ने खुद से लगा दी थी, तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर खुद से लगा सकते हैं? नहीं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पहली बार वर्ड यूज करा गया जिसका नाम था कैबिनेट। अगर प्राइम मिनिस्टर को इमरजेंसी लगाना तो किसकी परमिशन से लगाएगा? कैबिनेट के साथ डिस्कशन करके लगाएगा। अब मान लो प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है भाई क्या लगा दो, इमरजेंसी लगा दो, तो उसके बाद भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के तो एक्चुअली देखा जाए तो सब सबऑर्डिनेट रहते हैं कैबिनेट वाले, वो कभी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जा सकते हैं क्या? नहीं। उसके बाद एक और प्रोविजन डाला गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि अब ये इमरजेंसी को दोनों हाउसेस से क्या कराना पड़ेगा, अप्रूव। लोकसभा में तो गवर्नमेंट शायद अप्रूव करा देगी लेकिन राज्यसभा का क्या होगा? तो बोले दोनों हाउस से क्या कराना पड़ेगा, इमरजेंसी को अप्रूव कराना पड़ेगा। प्लस तो क्या लिख दूं यहां पर, बोथ द हाउसेस शुड पास इट, लिख सकता हूं मैं बोथ द हाउसेस शुड पास इट, अप्रूव इट। और कितने समय में? बोले देखो प्राइम मिनिस्टर ने तो अर्जेंट में लगा दी इमरजेंसी, बोले लेकिन अगले दो महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस को इसको पास करना, और अगर नहीं कर पाए तो इमरजेंसी सीज टू एग्जिस्ट, बोले इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। समझ में आया? अब ये तो लगाने की प्रोसीजर थी, अभी तो क्या करा आपने, इमरजेंसी को इम्पोज करा या डिक्लेयर करा बोल सकते हैं। अब अगर मान लो इमरजेंसी को हटाना है तो यहां पर लोकसभा के पास कुछ स्पेशल पावर हो सकते हैं, लोकसभा अलोन पजेसेस द पावर टू रिवोक द इमरजेंसी। पर क्या सिर्फ लोकसभा कर सकती है? नहीं, प्रेसिडेंट भी रिवोक कर सकते हैं, लोकसभा भी रिवोक कर सकती है, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे कि अकेले वो रिवोक कर दे तो ऐसा हो पाएगा? नहीं। सो यहां पर वही दिया, बोथ द हाउसेज अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यहां तक तो सही है, बट इमरजेंसी कैन नॉट बी रिवोक बाय एनी ऑफ द हाउस, ये रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज इमरजेंसी कैन बी रिवोक बाय लोकसभा अलोंग विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट भी रिवोक कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैसे रिवोक करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ही बोल देंगे कि हटा दो इमरजेंसी, प्रेसिडेंट हटा देंगे, या तो लोकसभा ही अप्रूव करवा देगी यार हटा दो इमरजेंसी, तो भी हटा देंगे। तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज नन। इजी था ये क्वेश्चन भी, इमरजेंसी पे रिपीटेडली क्वेश्चन आ चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कितने दिन में पास कराना रहती दोनों हाउस से? हाँ, दो महीने का टाइम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, मस्ट अप्रूव सच प्रोक्लेमेशन विद इन टू मंथ्स, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, आराम से देख लेना, एज इट इज लक्ष्मीकांत का डिस्क्रिप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पूरा क्वेश्चन ये कल करवा भी चुका हूं मैं, एडजर्नमेंट प्रोरोगेशन सब चीजें बताई थी इन डिटेल में, अब उसी पे क्वेश्चन है। अरे बोलो क्या आ रहा है आंसर? डी ए। चलो देख लेते हैं, ए आ रहा है, चलो देखते हैं। विच ऑफ दीज इज आर द की डिफरेंस बिटवीन प्रोरोगेशन एंड एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस? हम लोगों ने दोनों के बीच डिफरेंस देखा था, एक हमने क्या वर्ड देखा था प्रोरोगेशन, और एक हमने क्या देखा था एडजर्नमेंट। अच्छा, एडजर्नमेंट हमने कल क्या देखा था, क्या होता है एडजर्नमेंट? तो देखो दोनों में डिफरेंस अगर अपन यही देखें, एडजर्नमेंट कौन लाता है? स्पीकर, स्पीकर ऑफ द हाउस। वो स्पीकर भी हो सकता है, वाइस चेयरमैन भी हो सकता है, बस वैसे एडजर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कहां लाया जा सकता है? तो इसलिए वाइस चेयरमैन का कोई, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी रोल है क्या इसमें? नहीं। सो एडजर्नमेंट कैन ओनली बी ब्रॉट इन लोकसभा। अब कौन लाता है एडजर्नमेंट? स्पीकर। प्रोरोगेशन कौन लाता है? प्रेसिडेंट। देखो एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि जब स्पीकर को लगता है कि ठीक है आज जो काम था वो खत्म हो गया, तो वो क्या बोलता, हाउस इज एडजर्नड, वी विल मीट टुमारो एट 11 AM, ये बोल दिया उन्होंने। ये तो एक तरीका हुआ। अगर मान लो फिर प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोरोगेशन जब प्रेसिडेंट लगाते हैं, प्रोरोग करते हैं, तो पूरे हाउस का जो सेशन रहता है वो खत्म हो जाता है। बोले जैसे बजट सेशन था, प्रोरोग करा, खत्म सेशन। मॉनसून सेशन था, प्रोरोग करा, खत्म सेशन। फिर बाद में समन भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, अगर खत्म प्रेसिडेंट ने किया तो हाउस का दोबारा सेशन भी कौन बुलाएंगे? प्रेसिडेंट बुलाएंगे। तो कब बुलाएंगे? प्रेसिडेंट प्रोरोग तब करेंगे जब एक बार स्पीकर ऐसा बोल देगा, नाउ दिस इज एडजर्नमेंट साइनड आई। बोले अब मैं डेट नहीं बता रहा हूं कि अपन कब मिलेंगे, बोले उनको लगता है कि ठीक है हाउस का जो काम था, जो सेशन था, उसका काम कंप्लीट हो गया। सो स्पीकर विल एडजर्न द हाउस साइन एड आई। अब वो एक डेट नहीं बता रहे, बोले किस डेट पे मिलेंगे, तो मतलब इस प्रेसिडेंट समझ जाते कि नाउ अब मुझे क्या लगाना है, प्रोरोगेशन। सो प्रोरोगेशन कौन लाता है? प्रेसिडेंट। और एडजर्नमेंट कौन लेके आता है? स्पीकर ऑफ द हाउस। ध्यान रहेगा।
अब दोनों में डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रोरोगेशन लैप्सेस ऑल द बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस एंड द सेम कैन नॉट बी रिज्यूम व्हेन द हाउस मीट अगेन अनलाइक एडजॉर्नमेंट। ये बात सही है क्या? देखो, प्रोरोगेशन से क्या सारे बिजनेसेस लैप्स हो जाते होंगे? ऐसा नहीं होता होगा भाई। कुछ काम रह गए बोले वो आप मीटिंग में छोड़ दिए कि चलो इस पर डिस्कशन वगैरह करेंगी, अलग अलग कमिटीज वर्क करेंगी, इसको अगले सेशन में इस बिल को पास कर देंगे, तो ये बात तो गलत हो गई। ऐसा नहीं है कि ना प्रोरोगेशन में सारे बिजनेसेस लैप्स होंगे ना एडजर्नमेंट में सारे बिजनेसेस लैप्स होंगे। दूसरा देख लेते हैं, प्रोरोगेशन ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग एंड नॉट अ सेशन ऑफ द हाउस। ये बात सही है, अनलाइक एडजर्नमेंट। देखो तो यहां पर अगर मुझे सही करना है तो क्या करूंगा बोलो? प्रोरोगेशन ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग आएगा क्या? नहीं, प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स सेशन, है ना, अलोंग विद सिटिंग, सिटिंग भी खत्म हो जाती है, तो ध्यान रखोगे। और अगर मुझे इसको प्रोरोगेशन की जगह मैं एडजर्नमेंट लगा दूं तो एडजर्नमेंट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग एंड नॉट सेशन ऑफ द हाउस। समझ में आ गया? सो ये वाला भी क्या हो जाएगा रॉन्ग, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी। इजी था, प्रोरोगेशन एडजर्नमेंट के बीच डिफरेंस समझ में आया। कब एडजर्नमेंट होता है, कब प्रोरोगेशन होता है? एडजर्नमेंट का कोई फिक्स टाइम है क्या कि स्पीकर कब एडजर्न करेगा? फॉर एग्जांपल हाउस में मेंबर आते से ही चिल्ला चोट करने लग गए तो स्पीकर क्या बोलेगा? हाउस इज एडजर्न टिल 3 PM। बोले 2 बजे इनने चिल्ला चोट करी, बोले 1 घंटे के लिए इनको घर भेज दो। 3 बजे आए फिर चिल्ला चोट करो, उन्होंने बोला हाउस इज एडजर्न टिल 4 PM। 4 बजे भी आए चिल्ला चोट करो, उन्होंने हाउस इज एडजर्न टिल टुमारो 11 AM। समझ में आ गया? और अगर उन्होंने बोल दिया हाउस इज एडजर्न साइनड आई, व्हाट डज इट मीन? आप बोले सेशन का काम हो गया, स्पीकर को लग रहा जो जो काम करना था सारे अपने काम वगैरह हो चुके हैं, तो वो क्या करेंगे? एडजर्नमेंट साइनड आई, उसके बाद प्रेसिडेंट समझ जाएंगे कि हाउस का काम कंप्लीट हो गया ना, प्रेसिडेंट विल प्रोरोग द हाउस। अगर प्रेसिडेंट ने प्रोरोग करा है तो समन भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, क्या आ रहा है इसका? डी। चलो देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। अपन लोगों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी देखा था, क्या होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इसलिए बोलता हूँ एक बार रिवाइज करके आओ। इतना हल्के में लोगे ना तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे और एक भी नहीं बन पाएगा। यही लगता पॉलिटी में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हर आदमी को लगता है पॉलिटी इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, स्ट्रेंथ है मेरी, और क्वेश्चन सब गलत कराता लाइन से होशियारी में। समझ में आया? और जो वीक एरियाज रहते हैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, इन पे वो इतना ध्यान देता है बच्चा कि उनमें सही क्वेश्चन करके आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ता है ध्यान से। पॉलिटी में क्वेश्चन ट्रैप ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, ठीक है, वर्ड्स में गेम हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर कब उठाया जाता है। मान लो पार्लियामेंट में वर्क चल रहा है, अब किसी मेंबर को ऐसा फील होता है कि यार जो वर्क हो रहा है ना दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बोले ऐसा कोई रूल बुक में नहीं दिया हुआ है, जो पार्लियामेंट की जो सिटिंग चल रही है गलत डायरेक्शन में चली गई है, सो वो क्या रेस करेगा? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। क्या रेस करेगा? पॉइंट ऑफ ऑर्डर कि भाई तुम गलत दिशा में काम कर रहे हो, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये सब रूल बुक्स में नहीं दिया हुआ है जो आप कर रहे हो, पार्लियामेंट्री रूल्स में सारी चीजें नहीं है जैसे आप काम कर रहे हो, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द वर्क। तो मेंबर क्या रेस करेगा? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड इन द पार्लियामेंट व्हेन अ मेंबर ऑफ द हाउस मिसयूजेस हिज और हर ड्यूटी। इसके लिए तो प्रिविलेज मोशन आता है मिनिस्टर के लिए, तो ये वाला सही है क्या? मेंबर ऑफ द हाउस मिसयूजेस हिज और हर अथॉरिटी। मिसयूज अथॉरिटी, मिसयूज नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर कब लगाते हैं? जब पार्लियामेंट का सिटिंग गलत चल रहा है। दूसरा देखो, मेंबर ऑफ द हाउस ब्रीचेज द प्रिविलेज ऑफ अनदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ हाउस। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट गलत है। राजनंदिनी ने सही आंसर किया। आंसर क्या है इसका? डी। अ मेंबर कैन रेज पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, है ना, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन इजी ही है, क्वेश्चन एक भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ के आना था। अब ये कोई गलत मत करना, मैं जिससे पूछूं वो आंसर कर देना, सब चुप बैठना। अभी कौन करेगा आंसर? हाथ उठा दो धीरे से। हाँ कीर्ति बताओ क्या आ रहा है? डी। चलो देख लेते हैं, स्टैड क्वेश्चन। अभी कर रहे थे 3 टाइप के क्वेश्चन, स्टैड, अनस्टैड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टैड क्वेश्चन कौन से होते हैं बोले? ओरल आंसर लगता है प्लस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। रिक्वायर्स ओनली अ रिटन आंसर, नहीं रिक्वायर्ड ओरल आंसर। तो ये वाला तो यही रॉन्ग हो गया। वन को हटाते से ही ए और सी कट गया, कितना ईजी था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन शुड नॉट फॉलो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, फॉलो ऑन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। टू भी चला गया, आंसर वैसे ही आ गया डी। थर्ड को पढ़ा भी नहीं, बट फिर भी पढ़ लो, ज्यादा होशियारी नहीं करना। शुड बी आस्ड बाय गिविंग नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। शुड बी आस्ड, ऐसा लिखा गया कि कहीं नोटिस वोटिस देने की जरूरत है? ऐसा नहीं है। आपको जब पूछना, आप डायरेक्टली ओरली पूछोगे, मिनिस्टर आंसर करेगा ओरली। आप नहीं सेटिस्फाइड हो, आप एक और क्वेश्चन करोगे, मिनिस्टर आंसर करेगा ओरली।
वैसे बोलने की बातें रहती कि इतने ओरल आंसर करेगा, मिनिस्टर बोलता बैठ जाओ, स्पीकर ही बिठा देता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हर मेंबर को 3 मिनट का ही टाइम दिया जाता है बोलने के लिए। तो फिर आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर इतना लंबा कैसे बोलते हैं, सो प्राइम मिनिस्टर के पास जो उनकी पार्टी है उन हर मेंबर के पास कितने कितने मिनट हैं, 3-3 मिनट, तो उन सबके 3 मिनट खा के आराम से हंसी मजाक कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या आ रहा है इसका आंसर? बी आ रहा है, सी आ रहा है, सी। चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू मोशन ऑफ थैंक्स। अब देखना मोशन ऑफ थैंक्स क्या, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बार 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 नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जरूरत है क्या? देखो गवर्नमेंट का अगर आपको कॉन्फिडेंस चेक करना है, क्या चेक करना है? वेदर गवर्नमेंट हैज कॉन्फिडेंस और नॉट। अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ चेक किया जाता है, कौन से हाउस में? लोकसभा में चेक किया जाता है। तो देखो कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत नहीं है, कई बार चेक होता है। बजट आता है गवर्नमेंट का, बजट के लिए मनी बिल लाया जाता है। मनी बिल और बजट कहाँ लाए जाते हैं? लोकसभा में। और अगर लोकसभा में बजट फेल हो गया, व्हाट डज इट मीन? गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजोरिटी। सो एक तो आपने कॉन्फिडेंस चेक कर लिया ड्यूरिंग बजट, मनी बिल वगैरह लाया अगर वो भी फेल हो गया तो गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजोरिटी। अगर गवर्नमेंट कोई बिल पास करा रही है जिसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, ऑर्डिनरी बिल है, और अगर लोकसभा में फेल हो गया, व्हाट डज इट मीन? गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजोरिटी। सो आप ऑर्डिनरी बिल्स के जरिए भी क्या चेक कर सकते हो? गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस। तीसरा तरीका होता है जिसको वी कॉल इट मोशन ऑफ थैंक्स। क्या बोलते हैं उसको अपन? मोशन ऑफ थैंक्स। अब देखना गवर्नमेंट ने जो पूरे साल काम किया है, अब मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेना। गवर्नमेंट ने जो पूरे साल काम किया है, मोशन ऑफ थैंक्स सबसे पहले ध्यान रखना कौन लेके आता है, कौन एड्रेस करता है? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन लेके आता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ लाते हैं? हाउस में लाते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। अब मोशन ऑफ थैंक्स में प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, पहली बात ये ध्यान रखना मोशन ऑफ थैंक्स कब लाते हैं। तो देखना फॉर एग्जाम्पल जनरल इलेक्शन हो रहे हैं 2024 में, अभी होने वाले 4 महीने बाद जनरल इलेक्शन होंगे, फिर नई सरकार बनेगी, नई लोकसभा गठित होगी, न्यू लोकसभा विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बोल सकते हैं। तो जब न्यू लोकसभा है और इलेक्शन के बाद वो पहली बार हाउस मीट कर रहा है तो तब बोलेंगे। तो क्या लिख दूंगा मैं? आफ्टर फर्स्ट मीटिंग ऑफ जनरल इलेक्शन बोल सकता हूं, प्लस फर्स्ट मीटिंग ऑफ एवरी न्यू सेशन। न्यू सेशन जो साल में पहला सेशन होता है उसका पहला दिन क्या चलता है? मोशन ऑफ थैंक्स। तो दो कंडीशन रहती, पहली और दूसरी मैंने अभी बता दी। सो मोशन ऑफ थैंक्स में प्रेसिडेंट क्या बताते हैं? तो देखो जनरल इलेक्शन के बाद है तब तो ठीक है यार कि बोल रहे हैं, लेकिन हर बार जब साल में पहली बार जब मोशन ऑफ थैंक्स लाएंगे प्रेसिडेंट तो उसमें कुछ ना कुछ बोलेंगे वो। अब उसमें क्या रहते हैं? तो मोशन ऑफ थैंक्स गवर्नमेंट बना के देती है प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट तो मैंने बताया प्रेसिडेंट इज मेयर रबर स्टैम्प, वही करेगी जो गवर्नमेंट बोलेगी। तो गवर्नमेंट उनको एक डॉक्यूमेंट बना के देती है, उसमें प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आउटलाइन करते हैं कि गवर्नमेंट ने इतने करोड़ की सड़कें बनाई है, किया वो किया, फलाना ढिमका, कितनी प्रजा सुखी, कितना राम राज्य है, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट बताते हैं। किसमें? मोशन ऑफ थैंक्स में। वो प्रपोजल किसने बना के दिया था प्रेसिडेंट को? गवर्नमेंट ने। तो जब मोशन ऑफ थैंक्स के बाद जब प्रेसिडेंट अपनी स्पीच दे चुके रहते हैं तो फिर उस मोशन को हाउस में रखा जाता है फॉर वोटिंग, और अगर वो मोशन फेल हो गया व्हाट डज इट मीन? गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। समझ में आया? सो मोशन ऑफ थैंक्स हैज टू बी पास बाय द लोकसभा, अदरवाइज गवर्नमेंट बाउंड टू सीक कॉन्फिडेंस इन द हाउस। ध्यान रहेगा। सो मोशन ऑफ थैंक्स कौन लेके आता है? प्रेसिडेंट। क्या चीजें रहती है वो मैंने उसमें बता दिया, कब कब लाया जाता है? जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन और हर साल का फर्स्ट सेशन। ध्यान रखोगे मतलब हर साल में एक बार तो प्रेसिडेंट आते ही हैं, कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर। इजी था। और मोशन ऑफ थैंक्स का फेल हो जाना मतलब गवर्नमेंट हैज टू सीक कॉन्फिडेंस इन द हाउस, कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ गवर्नमेंट को घुमाना पड़ेगा, है ना। इट इज एड्रेस बाय लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस करते हैं क्या इसको एड्रेस? नहीं, इट इज एड्रेस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। द मोशन इज पुट टू वोट ओनली इन लोकसभा, ये बात सही है? हाँ, लोकसभा में ही रखते हैं क्या? देखो अगर ऐसे इसमें कंफ्यूज हो जाओ, वैसे तो कॉन्फिडेंस वाला काम है मतलब लोकसभा का ही है, बट फिर भी अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ सो गो बाय द एलिमिनेशन, फर्स्ट रॉन्ग है, दो ऑप्शन तो ये चले गए। अब मैं पहले थर्ड को ही चेक कर लूं, अगर थर्ड रॉन्ग हो गया तो मेरा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है। इट इज एड्रेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी न्यू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये सही है क्या? अगर देखो यहां पे लिखा होता इट इज एड्रेस ओनली एट द बिगनिंग ऑफ तो फिर गलत हो जाता, बट यहां पे क्या लिखा? इट एड्रेस एट द बिगनिंग ऑफ एवरी न्यू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। एवरी न्यू सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या? अरे नहीं यार, साल में 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, और मैंने क्या बोला? साल का जो पहला दिन है पहले सेशन का, सिर्फ उस दिन। साल में 3 बार आएंगे क्या प्रेसिडेंट? नहीं। तो ये समझ में आया थर्ड सही है या गलत है? थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, मतलब टू भी क्या है? रॉन्ग। दिस मोशन इज पुट टू वोट ओनली इन लोकसभा, नहीं,
इट कैन बी पुट टू वोट इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन अगर लोकसभा में फेल हो गया देन गवर्नमेंट इज बाउंड टू सीक द कॉन्फिडेंस। तो ध्यान रखोगे थर्ड भी गलत, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी नन ऑफ द अबव। सेकेंड स्टेटमेंट मुझे भी नहीं पता था बट एलिमिनेशन से गए तो आंसर निकल के आ गया, समझ में आया। फर्स्ट सेशन आफ्टर, सुनो, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर, हर साल का पहला सेशन पहले दिन इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट, और उसी को क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स। इन द एड्रेस प्रेसिडेंट आउटलाइंस द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रीसीडिंग ईयर एंड एंस्यूइंग ईयर, जो आने वाला साल है उसमें वो क्या करेंगे, उनका विजन क्या है वो भी बताते हैं। ऑपोजिशन के वालों के लिए यह बहुत अच्छा मौका रहता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने का, क्योंकि प्रेसिडेंट हर पॉलिसी के बारे में बताते हैं, हर प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, और वो हर प्रोग्राम को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और रिव्यू करते हैं, समझ में आया ना। तो दिस एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द मोशन इज पुट टू वोट एंड पुट टू वोट इन बोलो बोथ द हाउसेस। The motion must be passed in the house, otherwise it amounts to the defeat of government. The motion must be passed in लोकसभा, बोल सकता हूं राज्यसभा में फेल हो गया तो गवर्नमेंट रिजाइन करेगी कि नहीं, मगर लोकसभा से तो उसको पास कराना ही पड़ेगा। बोल सकते हैं दिस इनॉग्रल स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट इज द ओकेशन अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू रेज डिस्कशन एंड डिबेट एंड टू एग्जामाइन एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद इट्स फेलियर। ध्यान रहेगा, इजी था, जल्दी से इसका आंसर करो क्या रहा है, क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं, क्वालिटी वाइज इजी है, इजी सारे हैं, बस तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। चलो देख लेते हैं क्या रहा आंसर। गलत, गलत, देख लेते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट हाफ एन आवर डिस्कशन इन द लोकसभा। हाफ एन आवर डिस्कशन का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस इसके समय से पता चल रहा है क्योंकि इसके लिए कितना टाइम मिलता होगा, आधे घंटे का टाइम मिलता होगा। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है नो प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग द मैटर। क्या आधे घंटे का कोई भी नोटिस कोई भी उठा के दे देगा, क्या लोकसभा का आधा घंटा खा जाएगा क्या, ऐसे तो रोज कोई ना कोई निर्दलीय ही करता रहेगा, तो क्या बिना नोटिस के आप पूछ सकते हो कोई भी चीज, नहीं, इसके लिए तीन दिन पहले ही नोटिस देना पड़ता है सेक्रेटेरिएट को, लोकसभा वाले को, और फिर वो स्पीकर से परमिशन लेते हैं कि वेदर टू एडमिट दिस मोशन और नॉट, और स्पीकर यूजुअली अगर वो अपोजिशन वाले का तो उसको कभी भी एक्सेप्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं करेंगे। तो पहला तो गलत है, नो प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड, नो प्रायर नोटिस, पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको, कितने दिन एडवांस में, कम से कम तीन दिन एडवांस में, टाइम और एक बार अपन आंसर के एक्सप्लेनेशन में चेक कर लेंगे। दूसरा लिखा स्पीकर इज बाउंड टू एडमिट द मैटर रेस्ड बाय द मेंबर दैट सीक टू रिवाइज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ये बात सही है क्या, कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए मैटर है तो क्या स्पीकर को लेना ही पड़ेगा, आंसर इज रॉन्ग। अब फिर से समझना ऐसा क्यों भाई, हाफ एन आवर डिस्कशन बोले क्यों, बिकॉज टाइम अलॉटेड इज हाफ एन आवर ओनली। अगर आपकी गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को चेंज करना, और अगर आप उसके लिए कोई बिल लेकर के आए हो उसको चेंज करना है, तो क्या वो बिल को अपन इंट्रोड्यूस करेंगे, डिस्कस करेंगे, अप्रूव करेंगे, वो तीनों रीडिंग, वो पूरी प्रोसीजर देखी, तो क्या वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। सो ऐसे नोटिस को तो कभी स्पीकर एडमिट नहीं करेगा, वे ट्राई टू चेंज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, समझ में आ गया। अगर ऐसे कोई है, क्योंकि आधे घंटे में काम हो सकता नहीं हो सकता, इसलिए अगर कोई भी बिल ऐसा आ रहा है जो हाफ एन आवर डिस्कशन में लाना चाहता कोई मेंबर, जो दैट ट्राई टू चेंज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय द कैन नॉट बी अलाउड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस, बोल सकते हैं। सो ये वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया व्हाट इज हाफ एन आवर डिस्कशन। अ मेंबर विशिंग टू रेज अ मैटर शैल गिव नोटिस इन राइटिंग टू द सेक्रेटरी जनरल 3 days इन एडवांस, समझ में आया, तीन दिन पहले ही देना पड़ेगा, समझ में आया, है ना। और ये भी बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है, मैं क्यों ये नोटिस दे रहा हूं, क्या डिस्कस करूंगा आधे घंटे में, ऐसा थोड़ी कि भाई लिख दिया भाई आधे घंटे का टाइम दे दो, किस लिए दे दें ये तो बताओ, किस लिए दे दें, क्या करोगे आधे घंटे में, ढोल तमाशे करना है तो नहीं मिलेगा टाइम में, समझ में आया। और स्पीकर ये कोई मजबूर है क्या देने के लिए टाइम, नहीं, स्पीकर मना कर देता, और यूजुअली स्पीकर मना ही करता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर जल्दी से बताओ, बड़ा इजी है, कॉलिंग अटेंशन अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, व्हाट इज कॉलिंग अटेंशन, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टुवर्ड्स द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब बता दो इसका जल्दी से आंसर, कौन बता सकता है, हाथ उठा दे, बताओ, यशोवर्धन ने बता दिया, ए। देख लेते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉलिंग अटेंशन अटेंशन मोशन इज इनकरेक्ट, तो ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है, कॉलिंग अटेंशन मोशन के लिए क्या चीज गलत है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ये गलत है, बिकॉज कॉलिंग अटेंशन मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर लोकसभा और इन
राज्यसभा कहीं पर भी भाई हाउस का अटेंशन ड्रॉ करना है तो ये क्या है, वो तो कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, राज्यसभा में भी ड्रॉ किया जा सकता है भाई, लोकसभा मान लो सेशन में ही नहीं है, है ना, तो राज्यसभा का ये अटेंशन तो ड्रॉ करना पड़ेगा कि दादा वहां बाढ़ आ गई है कुछ करो, समझ में। सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, तो यही वाला क्या हो गया मेरा इनकरेक्ट, तो इसलिए यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आगे भी पढ़ लो क्योंकि उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, द मोशन सीक्स एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्टर कंसर्न्ड ऑन दैट मैटर, ये बात भी सही है, कॉलिंग अटेंशन लाइक द जीरो आवर इट इज ऑल्सो एन इंडियन इनोवेशन है ना इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, लेकिन जीरो आवर कहीं पर भी मेंशन है क्या, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी मेंशन नहीं है, लेकिन कॉलिंग अटेंशन मोशन इज मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ध्यान रखोगे इजी था, कॉलिंग अटेंशन और जीरो आवर में छोटा सा डिफरेंस था। अच्छा देखना, सिर्फ लोकसभा में कौन से मोशन जाते हैं, तो सिर्फ दो मोशन है, सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, बाकी सब दोनों जगह जाते हैं, इजी है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट से भी कम का टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए, बड़ा इजी है और 10 बार बता चुका हूँ, जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, कोई ने ए बी सी मत करना, आराम से देखो जिससे पूछूंगा वो आंसर करना। चलो किसका आ गया हाथ उठा दो, ये आधे हाथ क्यों उठा रहे हो, अच्छे से बता दो, मैंने क्या बोला था, हाँ क्या आया तुम्हारा, डी डी आ रहा सबका, चलो ठीक है देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसी को बोलते हैं, अलर्टनेस, मैंने एक ही चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बोलेगा नहीं फट से पीछे से बोली वो डी, ठीक है चलो देख लो, विद रेफरेंस टू एडजर्नमेंट वर्सेस प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट कौन करता है, स्पीकर, एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सिटिंग को खत्म करना ना कि सेशन को खत्म करना, और प्रोरोगेशन कौन करता है, इसका मतलब क्या है, सेशन को खत्म करना, समझ में आ गया। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, इन द पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, एडजर्नमेंट नॉट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग बट ऑल्सो सेशन ऑफ द हाउस, क्या एडजर्नमेंट सेशन खत्म करता है, नहीं कर सकता, प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स ओनली अ हाउस सिटिंग, प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स सेशन ऑफ द हाउस, पूरे ही गलत दे दिया, बकवास कर दी एकदम बुरी बुरी। दूसरा देख लो, एडजर्नमेंट इज डन बाय प्रेसिडेंट, एडजर्नमेंट इज डन बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, वेयर एज प्रोरोगेशन इज डन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उल्टा पलट कर दिया इन्होंने, समझ में आ रहा है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देख लो, प्रोरोगेशन एंड एडजर्नमेंट डू नॉट अफेक्ट द बिल्स पेंडिंग बिफोर द हाउस बट प्रोरोगेशन लीड टू लेफ्ट ऑफ बिजनेसेस पेंडिंग बिफोर द हाउस, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, एडजर्नमेंट से बिजनेस खराब होंगे ना एडजर्नमेंट से बिजनेस लैप्स होंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, और आंसर मेरा क्या हो जाएगा डी। इजी था ये क्वेश्चन, ये तो बता ही चुका था क्या पूछा था, करेक्ट आंसर पूछा था और आप लोगों ने करेक्ट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ही देख लिया अब तो तुमने इतने झटके में, नहीं देखा उसका आंसर था ही नहीं असल में, इसका आंसर मैंने लिखा ही नहीं था क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन था ये। क्या है शिवमी दे देगा आंसर, क्या है क्या आ रहा है, सृष्टि दे पाएगी डी, चलो देख लेते हैं, अभी तो सभी दे पाएंगे कोई डाउट नहीं है, नहीं देखा था ठीक है चलो मान लेते हैं कंसीडर था, बाकियों को लगता है क्या कि उसने आंसर नहीं देखा था, भरोसा है उस पर, ठीक है तो फिर किसने क्या, सिर्फ मैंने अकेले नहीं देख लिया था क्या उसको एक सेकंड में क्या। चलो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देख लेते हैं जल्दी से क्या है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, करेक्ट के बारे में पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, अ नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा, ये बात सही है क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं बोले गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं रहा, अपोजिशन वाले नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो क्या उसको रीजन बताना पड़ता है व्हाई दे आर ब्रिंगिंग द नो कॉन्फिडेंस, नहीं, अच्छा सेंश्योर मोशन को लाते हैं तो उसका रीजन बताना पड़ता है, हाँ सेंश्योर मोशन अगर पास हो गया, अभी मैं नो कॉन्फिडेंस नहीं सेंश्योर की बात कर रहा हूं, अगर सेंश्योर मोशन पास हो गया तो क्या गवर्नमेंट रिजाइन करेगी, करेगी नहीं, वो ऑटोमेटिक रिजाइन नहीं करेगी, लेकिन अब गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस देखना पड़ेगा उसका, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या होगा, गवर्नमेंट को तुरंत रिजाइन करना पड़ेगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करते समय क्या उसका रीजन बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड स्टेट द रीजन, नो इट शुड नॉट स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन,
सेकंड दिया हुआ है, इफ सेंश्योर मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। सही बात है, हाँ जरूरी नहीं है वो अभी रिजाइन करेंगे, लेकिन अब कॉन्फिडेंस देखना पड़ेगा, तो ये बात सही है। थर्ड देख लो, एडजर्नमेंट मोशन इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड नीड सपोर्ट ऑफ 100 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। ये बात सही है। हाँ सुनना, ये बात सही है लेकिन आधी, बट इट नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। एडजर्नमेंट मोशन का ये मतलब भी होता है, आप ध्यान रखोगे, एक होता है एडजर्नड, दैट हाउस इज एडजर्नड, एडजर्नमेंट कौन करता है, स्पीकर, और एक एडजर्नमेंट मोशन भी होता है, और उस मोशन का पर्पस क्या होता है, इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस बट इट नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। ध्यान रहेगा, एक कॉलिंग अटेंशन भी होता है, तो ये इजी है। तो थर्ड वाला सही है, गलत है, गलत है, बिकॉज इट नीड सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। अब देखना इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 गलत हुए, मतलब सिर्फ 2 ओनली करेक्ट है, 2 कहां पर है, डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तब तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन। लेकिन जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है ना, जैसे मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाए थे, टीआरएस वाले लेकर के आए थे, सारी अपोजिशन वालों ने उनको सपोर्ट किया होगा, लेकिन उस दिन आपने देखा होगा रात में 11-12 बजे तक पार्लियामेंट ने वर्क करा, क्यों, क्योंकि उस दिन सब लोग हर मेंबर को थोड़ा थोड़ा टाइम देते कि चलो जो तुम्हारे 3 मिनट यही खा जाया करते थे ना, तुम भी लो टाइम, और सब लोग क्या करते हैं उस पर डिबेट करते हैं, और एट द कंक्लूजन रात में प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं आफ्टर विनिंग सपोर्ट। उन्होंने जब सपोर्ट जीत लिया तब उन्होंने क्या उड़ाया, मजाक उड़ाया अपोजिशन वाला का, क्या मजाक बना के रख दिया इन्होंने। जब अपोजिशन वालों को पता था दैट गवर्नमेंट हैज द मेजोरिटी इन द लोकसभा, और वो बार बार अपन ने देखा मेजोरिटी को चेक कैसे किया जा सकता, मोशन ऑफ थैंक्स है, बजट है, बिल्स है, ऑर्डिनरी बिल्स है, मनी बिल्स है, कई तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट की मेजोरिटी बार 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 क्या होती है लोकसभा में चेक होती है। तो फिर अपोजिशन वालों को पता है कि वेन गवर्नमेंट हैज द मेजोरिटी, तो फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के क्यों आए, ये पूछ रहा हूं मैं, समझ गए मेरा क्वेश्चन क्या है। जब पता था कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, बहुमत है, पूर्ण मेजॉरिटी है, अच्छी मेजॉरिटी है, फुल मेजॉरिटी है, तो फिर क्यों लेकर क्या है, टाइम खराब करने के लिए क्या, नहीं, इससे ऑपोजिशन वालों को पॉपुलैरिटी मिलती है, पता चलता है कि हम भी भाई जिंदा हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हाउस के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, ताकि जनता भी देखती है, अदरवाइज डेली प्रोसीडिंग आप हाउस की देखते हो क्या। सो ऑपोजिशन टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स देमसेल्फ, वो क्या लेकर के आए थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ऐसा कभी लिख के मत आना, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एडजर्नमेंट मोशन का मतलब समझ गए कि अगर हाउस का टूवर्ड्स अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की तरफ अटेंशन ड्रॉ करना है तो उसमें कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए, 50 मेंबर्स का चाहिए। अच्छा देखना, ये जो एडजर्नमेंट मोशन रहता है ये भी यूजुअली कौन लाता है, ऑपोजिशन वाले। अगर ऑपोजिशन वाले लाते हैं इट मीन्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ एलिमेंट ऑफ सेंश्योर कि गवर्नमेंट के लिए निंदा हो जाती है एडजर्नमेंट मोशन अडॉप्ट होता, तो गवर्नमेंट इसको कभी लाने देती है, नहीं लाने देती है। ध्यान रखोगे एडजर्नमेंट मोशन को स्पीकर एडमिट होने ही नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट वाला मैटर है, तो क्या गवर्नमेंट सो रही थी जो उसको पता नहीं चला, और अपोजिशन वाले लेकर के आ रहे हैं और गवर्नमेंट को जगा रहे कि उठो और ये देखो मैटर कितना अर्जेंट है, ऐसा होता है क्या। गवर्नमेंट बोलेगी हम इतने जिम्मेदार हैं, हम यहाँ सरकार चला रहे हैं और तुम मजाक कर रहे हो नए नए मोशन लाके, तो ये एडजर्नमेंट मोशन ऑल्सो इंक्लूड्स एन एलिमेंट ऑफ सेंश्योर, तो इसलिए इसको भी लाने नहीं दिया जाता है। समझ गए तुम लोग, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन इन लोकसभा। एडजर्नमेंट मोशन इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड नीड द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। अच्छा एडजर्नमेंट मोशन को कहां ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, अभी बताया मूर्खों कि सिर्फ 2 ऐसे मोशन है जिनको सिर्फ लोकसभा में लाते हैं, सेंश्योर और नो कॉन्फिडेंस, बाकी सबको दोनों जगह ला सकते हैं, तो इसको दोनों जगह ला सकते हैं। सो एडजर्नमेंट मोशन को कई बार राज्यसभा में तो एडमिट कर ही जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, है ही नहीं, क्वेश्चन ही खत्म हो गए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना टाइम भी खत्म हो गया, क्वेश्चनों में सबको मजा आई। हाँ बोलो सर, एडजर्नमेंट मोशन और कॉलिंग मोशन में क्या है, कॉलिंग अटेंशन के लिए 50 मेंबर का सपोर्ट नहीं लगता है ना, इसमें क्या लगता है, कितने मेंबर का सपोर्ट लगता है, 50 मेंबर का सपोर्ट लगता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंश्योर ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए लोकसभा में जनरली इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता, राज्यसभा में हो जाता अगर गवर्नमेंट की राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो। कोई इसमें डाउट है, अभी हम लोग बिल्स वगैरह कर रहे थे पार्लियामेंट के, बिल्स में कितने बिल्स कर लिए थे हम लोगों ने, ऑर्डिनरी बिल्स देख ली थी, उसकी पूरी प्रोसेस देख ली थी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सब कुछ देख लिया था, कैसे बिल को एक्ट बनाया जाता है, कैसे प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है। फिर मनी बिल देख लिया था हम लोगों ने, ऑर्डिनरी बिल देख लिया था, मनी बिल देख लिया था।
अब कल से हम लोग क्या देखेंगे, फाइनेंस बिल। क्या देखेंगे? फाइनेंस बिल क्या है, उनकी क्या प्रोसीजर है, दो टाइप के फाइनेंस बिल होते हैं तो कैसे वर्क करते हैं। फाइनेंस बिल को फिनिश करेंगे, फिर आगे मूव ऑन करके प्रेसिडेंट नाम के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है इसमें? इजी था सेशन?